हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ चार पांच क्वेश्चंस जो आपको थोड़े बहुत हेल्प हो सकती हैं प्रैक्टिस में। तो द गोल्स ऑफ टीचिंग इज़, तो जो टीचिंग होती है उसके गोल्स क्या होते हैं। टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इम्पार्ट नॉलेज, नॉलेज देना उनको। टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज़, बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में जो हम चाहते हैं वो बिहेवियर उनमें उन्हें उस तरीके से ढालना कि वो उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लें, अच्छे बिहेवियर उनमें उनमें प्रोत्साहित करना। तो हमारी टीचिंग का जो एम है वो है डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। अगर हम बच्चों को उस बिहेवियर के लायक बनाएं जो सोसाइटी में उसे समाज में उसे मान्यता मिले, तभी हमारे टीचिंग का गोल सक्सेसफुल होता है। उसके बाद हम देखेंगे विच इज़ वास्ट इन स्कोप, बड़ा दायरा किसका है इन सभी में से। टीचिंग टैक्टिक, टीचिंग टैक्टिक क्या है कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा होता है, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन में वो किस तरह से बिहेव करती हैं, और जब बच्चों की स्ट्रैटेजी जब वो बनाती है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है टीचिंग टैक्टिक में। उसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है। टीचिंग स्ट्रैटेजी में टीचिंग स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया है लॉटन ने, और इन्होंने बताया है कि टीचिंग स्ट्रैटेजी वो वर्क करती है बच्चों के बिहेवियर में, और बच्चों ने कितने गोल्स हासिल कर लिए हैं बच्चों के गोल पे वर्क करती है, और अभी तक जो भी गोल्स उन्होंने डिसाइड किए थे कितने पूरे हुए हैं, इसी पे स्ट्रैटेजी वर्क करती है। उसके बाद है टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक को डिफाइन करने के लिए इसमें दिया गया है कि वे एक्टिविटी और टास्क को किस तरह से पूरा किया जाए उसके बारे में वे चर्चा करते हैं टीचिंग टेक्निक में। उसके बाद टीचिंग मेथड होता है। टीचिंग मेथड क्लासरूम में होता है जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, और उसमें से बच्चों का पार्टिसिपेशन, डेमोंस्ट्रेशन, डिसर्टेशन और कॉम्बिनेशन, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है या इसके बारे में प्लान किया जाता है। तो व्हाट इज़ वास्ट इन स्कोप, तो इन सब में से सबसे बड़ा दायरा किसका है, टीचिंग मेथड का। गोल्स आर एट, हमारे जो गोल्स होते हैं वे किस लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल, क्लासरूम लेवल, सब्जेक्ट लेवल, ऑल ऑफ द अबो। तो किसके नेशनल लेवल पे नहीं होते हैं, क्लासरूम लेवल पे भी नहीं होते हैं, सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कंटेंट या सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट लेवल सही है। ऑब्जेक्टिव्स आर एट, हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल, कोर्स लेवल, सब्जेक्ट लेवल, ऑल ऑफ द अबो। तो नेशनल लेवल नहीं होते हैं, सब्जेक्ट लेवल पे हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट यहाँ पे कोर्स लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्स लेवल पे ही बच्चों की स्किल्स डेवलप की जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के तीन ट्रायंगुलर प्रोसेस होते हैं जहाँ पे प्यूपिल, टीचर और कंटेंट को डिफाइन किया गया है। टीचिंग मेथड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो आपका सही आंसर है टीचिंग मेथड। तो आज हमने ये पांच क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप कि आपको थोड़े से हेल्प करेंगे आपके रिवीजन के टाइम में, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके पर आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।